केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय मेरे साथ हैं। नित्यानंद जी, 40 लोगों की मौत हुई बिहार में जहरीली शराब से। नीतीश कुमार का बयान है कि जो पिएगा वो मरेगा। देखिए, यह एक तरह से गैर जिम्मेवार व्यक्ति बोलता है ना, और ऐसे बोल रहे हैं हमारे बिहार के मुख्यमंत्री जी। एक सूबे के मुख्यमंत्री को ऐसा बयान देना कि जो पिएगा वह मरेगा, कितना बड़ा एक तरह से कह दे कि मानसिकता खो देने वाला, आपा खो देने वाला, गुस्से में आकर बोलने वाला, इस तरह का इनका बयान है। और इनको पता है कि पुलिस इन्वॉल्व होती है, इनसे जुड़े हुए लोग इन्वॉल्व है, ठेकेदार कौन है, और कार्रवाई करने में सरकार और प्रशासन क्यों हिचक रही है, मुझको पता नहीं आ रहा है, पता चल रहा है। और उसमें 40 लोगों से ज़्यादा की मौत हो गई। और पहले तो इस छपरा की घटना में जहरीली शराब पीने से जिनकी मौत हुई उसको पहले छुपाने की कोशिश की गई, पहले तो आंकड़ा बताने की से सरकार हिचकी, फिर प्रशासन दबाव देकर यह कहवाने की कोशिश की कि नहीं, यह बीमारी से मौत हुई है। और जब भारतीय जनता पार्टी के लोग जब विधानसभा में और अन्य अपने बिहार के कई क्षेत्रों में जब लोगों की इस मौत पर गहरा दुख व्यक्त करते हुए उसको उजागर करने का काम जब करने लगी, तब सरकार कुछ मानी। इस तरह से सरकार बिल्कुल निकम्मा हो गई है। सरकार समस्याओं की अनसुनी करती है। आरोप आप लोगों पे है कि आपके नीतीश कुमार ने विधानसभा में कहा कि बीजेपी के लोग शराब बेचवाते हैं, तो कार्रवाई करें ना। पता नहीं है गोपालगंज में किसको उम्मीदवार बनाया गया, देखे नहीं। और कुरहन्नी की जो बात आ रही है उस पर मैं बहुत चर्चा नहीं करना चाह रहा हूँ, लेकिन सबको पता है। और पुलिस इन्वॉल्व है उनकी, पुलिस क्या वहाँ भारतीय जनता पार्टी की है, सरकार भारतीय जनता पार्टी की है, प्रशासन भारतीय जनता पार्टी की है, सरकार तो उनकी है, प्रशासन उनकी है, नीतीश कुमार जी की और तेजस्वी जी की। तो भारतीय जनता पार्टी पर आरोप लगाना अपने आप को मुद्दों को भटकाने की कोशिश करना है। सरकार बिल्कुल मांग क्या कर रही है, मांग कर रहे हैं कि शराबबंदी जो नियम में लाए हैं, कानून में लाए हैं, उस पर सख्ती से वह काम करे, उसके ऊपर जो इसमें इन्वॉल्व है ठेकेदार पर कार्रवाई हो रही है, निर्दोष पर। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।